गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 14 अगस्त। सब्जेक्ट जीके। जीके में आज हम क्या पढ़ेंगे? होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल जैसे हम अपने घर में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। तो उनके घर, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने घर का नाम लिखते हैं कि साईं कृपा, माता कृपा, ऐसे करके लिखते हैं ना। ऐसे ही एनिमल्स के भी घर होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। जैसे डॉग जो होता है, जिस घर में रहता है उसको कैनल कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अभी वन बाय वन लर्न करेंगे। तो जीके में हम क्या पढ़ेंगे? होम्स ऑफ एनिमल्स। पहले क्या आता है? पहले आता है टाइगर। पहले हम सारे एनिमल्स के घर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सेंटेंस के साथ लर्न बाय हार्ट कराऊंगी। फर्स्ट, टाइगर केव में रहता है। टाइगर, ए टाइगर लिव्स इन ए केव। फिर आता है रैट। रैट कहाँ रहता है? रैट यानी चूहा। ये कहाँ रहता है? होल में। कहाँ रहता है? होल में। ओके, रैट कहाँ रहता है? होल में। थ्री नंबर है लायन। लायन कहाँ रहता है? जंगल का राजा कहाँ रहता है? डेन में। कहाँ रहता है लायन? डेन में। ओके, कहाँ रहता है लायन? डेन में, D-E-N, डेन। फोर नंबर पे आता है डॉग। डॉग कहाँ रहता है? कैंडल में। कहाँ रहता है डॉग? कैंडल में। डॉग कहाँ रहता है? कैंडल। डॉग कहाँ रहता है? कैनल में। कहाँ रहता है? कैनल में रहता है डॉग। ओके, टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है? केव में। टाइगर लिव्स इन ए केव। ए टाइगर लिव्स इन ए केव। टाइगर कहाँ रहता है? केव में। तो ए टाइगर लिव्स इन ए केव। और चूहे जो होते हैं ना, छोटे छोटे चूहे देखे हैं, वो घर में भी आ जाते हैं। तो घर में भी कहाँ पे छुप जाते हैं? जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर चूहे चले जाते हैं। ओके, तो रेड लीव्स इन ए होल। कहाँ रहते हैं रेड? होल में। रेड लीव्स इन ए होल। लायन कहाँ रहता है? डेन में। कहाँ रहता है? डेन में। लायन लीव्स इन ए डेन। लायन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। तो लायन लीव्स इन ए डेन। और डॉग कहाँ रहता है? कैंडल। ऐसे करके उसकी वो बनी रहती है, घर टाइप का हम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडल। डॉग स्लीप्स इन ए कैंडल। फाइव नंबर पे आता है बर्ड। बर्ड्स कहाँ रहती है? नेस्ट में। अपना स्टिक्स ले लेके क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है। बर्ड्स लिव्स इन ए नेस्ट। फिर सिक्स, कौन सा एनिमल आता है? हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहते हैं? घोड़े। हॉर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? घोड़े। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में। उनका अलग अलग ही घर होता है, जहाँ बहुत सारे हॉर्स को लकड़ी से बनाते हैं उनके घर को, और बांध के रखते हैं, और उनके घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल। सेवन नंबर पे कौन सा आता है? हनी बी। हनी बी मधुमक्खी। हनी बी के उसको क्या कहते हैं? हीव। HIVE, हीव। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी से, हनी बी से हमको क्या मिलता है? हनी मिलता है। जो हनी कैसा होता है? मीठा मीठा स्वाद में होता है। तो हनी बी से हमको क्या मिलता है? हनी मिलता है। और वो हनी बी जो होते हैं, वो बहुत सारी इकट्ठी होके एक ऐसा वी शेप का बनाती है। ऐसा वी शेप का बनाती है, खूब सारी इकट्ठी हो जाती है। वो क्या बनाती है? घर बनाते हैं, उसके घर को हम हीव कहते हैं। और जब वो सब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो हमारे लिए हनी इकट्ठा करती है। क्या करती है? हनी। जो हम शहद खाते हैं ना, मीठा मीठा होता है शहद, वो
एक नंबर पे आता है रैबिट। रैबिट कहाँ रहता है? बोरो। रैबिट के घर को हम क्या बोलते हैं? बोरो, BUR R O W। रैबिट के घर को क्या बोलते हैं? बोरो, BUR R O W, बोरो। और फिर आता है 9 नंबर पे हैन। हैन कहाँ रहती है? हैन लिव्स इन ए कोक। हैन कहाँ रहती है? कोक में। उस पर एक ऐसा देखा होगा जाली वाला घर बना के रखे जाते हैं जिनमें चु 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 कभी घूमती रहती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हैन लिव्स इन ए कोक, क्या बोलते हैं? CWP को, कोक। ओके, फिर आता है 10 नंबर पे काव। काव कहाँ रहती है? शेड में। घर के बीच में एक ऐसे लगा देते हैं, छप्पर लगा देते हैं, उसके नीचे सब गाय को रखते हैं। उसके घर को क्या बोलते हैं? काव लिव्स इन ए शेड। उसके घर को क्या बोलते हैं हम? शेड। काव के घर को हम क्या बोलते हैं? शेड। ओके, रैबिट के घर को हम क्या बोलते हैं? बोरो। और हैन के घर को को, और काव के घर को हम शेड कहते हैं। काव के घर को हम शेड कहते हैं। तो हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल। ओके, ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। हनी बी लिव्स इन ए हीव। हनी बी कहाँ होते हैं? हनी बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? हीव में रहती है। कहाँ रहती है? हीव में रहती है। रैबिट कहाँ रहता है? बोरो। रैबिट कहाँ रहता है? बोरो। लीव्स इन ए कोक। ए हैंड लीव्स इन ए
बहुत सारी काव रहती है, काव लिव्स इन ए शेड। ओके, ये क्या है जीके में, होम्स ऑफ एनिमल्स, क्या है, होम्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज, उसके हम एक साउंड भी कर लेते हैं, साउंड्स ऑफ एनिमल्स। ओके, होमवर्क है, होम्स ऑफ एनिमल्स, साउंड ऑफ एनिमल्स।
आपको जीके की, जूनियर के जी की बुक में सभी लेसन मिल जाएंगे। आप ओवरली उसको लर्न करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।